आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कई बार चाशनी बच जाती है, तो उसी चाशनी से आज बनाएंगे एक ऐसी मिठाई जो मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे लेकिन बनेगी बहुत शानदार। तो चलिए मिलके बनाते हैं। यहाँ पे लिए हमने 8 वाइट ब्रेड, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो इनको काटेंगे, और काटने का तरीका ये है कि हमने कटोरी ली है, कटोरी को बीचों बीच में इस तरह से रखेंगे और दबा देंगे। दो ब्रेड मैंने एक साथ ली है, दो ब्रेड एक साथ कट जाएगी। कटर नहीं है कोई बात नहीं, मेरे पास भी नहीं था तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है, और सावधानी से इसको निकाल लेंगे। इसका क्या करना चाहिए, इसका हमको ब्रेड कम बनाना चाहिए, बहुत ही बढ़िया ब्रेड कम बनेगा इसका, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश है। फ्रेश ब्रेड को मिक्सर ग्राइंडर में पीस के दिखाता हूँ आपको कैसा ब्रेड कम बनता है। पहले सारे काट लेते हैं, और ये रहा हमारा लास्ट की स्लाइस, ये निकल गई इससे। बस कटोरी में ये होता है थोड़ा निकालने में दिक्कत आती है, तो आप नाइफ से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारी स्लाइस कट चुकी है यहाँ पे, और ये रहा उसकी साइड्स कटिंग, इसका बनाएंगे बढ़िया सा ब्रेड कम। जब भी आपको ब्रेड कम बनाना हो तो हमेशा फ्रेश ब्रेड का बनाना, मतलब ड्राई ब्रेड का नहीं बनाना। ड्राई ब्रेड का बनाएंगे तो चूरा बन जाएगा, बिल्कुल फाइन पाउडर सा बन जाएगा, वो ब्रेड कम बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आपने पैंको क्रम के बारे में सुना होगा, वो कुछ इसी तरह का होता है। ये देखिए कितना शानदार ब्रेड कम बनाया। इसको पंखे की हवा के नीचे सुखा लीजिए और डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए, किसी तरह की स्मेल नहीं आती, आराम से 6 महीने चलता है। अब बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ पर हमने आधा कप चीनी ली है, कभी भी आप चीनी लें बढ़िया वाली चीनी का इस्तेमाल करें, पैकेट वाली जो खुली रहती है उसका इस्तेमाल ना करें, उसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और ये गया पानी, पानी कितना डालना है, जितनी हमने चीनी का इस्तेमाल किया था उतना ही हमको पानी डालना है इसमें। इसको उबलने दीजिए, और इसको चिपचिपी मतलब एक तार के आसपास की चाशनी बनाएंगे, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी केसर, अगर आपके पास केसर है तो ज़रूर डालें, एक बढ़िया सा कलर आ जाएगा। नहीं है कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। चाशनी को उबलते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब कैसे पता लगाएं कि ये चाशनी हो चुकी है, तो तार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं कि ऐसे से करने की, सिंपल सा काम है। आप यहाँ पे टच कीजिए, हल्का सा ठंडा हो जाए तब, और महसूस कीजिए चिपचिपी सी होनी चाहिए, अच्छी वाली चिपचिपी सी। बस वहीं पे गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए, लगभग 10 मिनट में ये तैयार हो जाती है। पानी जैसी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं बननी चाहिए। और इसमें लास्ट में डालेंगे हम इलायची के कुछ दाने। इलायची हमेशा आपको बोलता हूँ फ्रेश कूट के डालें, खुशबू बहुत तेज आती है, और कोशिश करें कि इलायची को लास्ट में डालें, बिल्कुल खुशबू वाला आइटम है ना। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं, बाकी तैयारी कर लेते हैं। ये लिए हमने आधा कप फ्रेश क्रीम, अगर ये नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, घर की जो मलाई होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, इससे क्या होगा, इससे आएगी थिकनेस। ये काजू मैंने चॉप करके रखा हुआ है, ये ऐड कर देंगे, थोड़ी सी गार्निश के लिए बचा लेते हैं, लगभग 20 से 25 हैं। इसी तरह से बादाम, कम ज़्यादा कर सकते हैं वहाँ पे आपकी मर्ज़ी चलेगी। और थोड़ा सा मीठा करने के लिए और एक बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए किशमिश को मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, क्योंकि मैं चीनी नहीं मिला रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी चाशनी बनाई हुई है ना, तो उसी से काफ़ी मीठा हो जाएगा ब्रेड बाहर की। स्टफिंग के अंदर जो मीठापन आएगा वो आएगा मिल्क पाउडर से और किशमिश से। तो ये लीजिए, ये स्टफिंग यहाँ पर रेडी हो गई, गाढ़ी गाढ़ी सी स्प्रेड लाइक होनी चाहिए, मतलब आसानी से लगा सके, पतली नहीं होनी चाहिए। तो ये रही हमारी ब्रेड जो हमने पहले से काट के रखी हुई थी, इस पर अंदर की तरफ से स्प्रेड कर देंगे, दूसरी ब्रेड से इसको चिपका देंगे। तो ये हो गया हमारा सैंडविच यहाँ पर रेडी, लेकिन ये काम अभी अधूरा है, अभी बाकी हमारा काम। इसी तरह से सारी ब्रेड तैयार कर लेंगे हम। चाशनी हमारी यहाँ पे ठंडी हो चुकी है, बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। और एक चीज़ तो बताना ही आपको भूल गया, भाई चाशनी जमे नहीं, क्रिस्टलाइजेशन ना हो, इसके लिए आपको इसमें थोड़ा सा नींबू या फिर विनेगर का इस्तेमाल करना होगा। हमने जो स्टफिंग बना के रखी हुई थी सैंडविच की, अब क्या करना है, इसको डिप करना है इस तरह से। ये गया फर्स्ट, ये गया नीचे। अच्छी तरह से चाशनी को ऑब्जर्व कर ले, चारों तरफ से घुमा लीजिए एक बार। इसको ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, इसको डिप करना है और निकालना है, और निकालने के बाद में ये जाएगा सीधा कोकोनट पाउडर, जो नारियल का बुरादा होता है ना, उसमें कोट कर देंगे जी। लेकिन चाशनी अच्छी तरह से ब्रेड पी जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है हमको। बन गया, इसी तरह से सारे कर लेंगे। और यहाँ पे हमारी चाशनी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। अक्सर क्या करता हूँ, इसको नहीं बनाता हूँ, जब भी मेरे पास में चाशनी बच जाती है, जैसे गुलाब जामुन की या फिर किसी भी चीज़ की चाशनी बच जाती है, तो ये वाला डेजर्ट हमारा बन जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है इसको बनाना। अगर चाशनी रेडी है ना, तो इसको बनाने में कितने मिनट लगेंगे, मुश्किल से 10 मिनट। खाना कोई सा भी हो, गार्निश के बगैर मज़ा नहीं आता है, तो हल्की सी गार्निश मतलब कि थोड़ी सी सजावट कर देते हैं भाई इसमें, अच्छा लगेगा ना, खाने वाले को भी अच्छा लगेगा, खिलाने वाले को भी अच्छा लगेगा। मैं तो हर संडे को एक मिठाई ज़रूर बनाता हूँ, क्योंकि मेरा चीट डे होता है संडे। पूरे हफ्ते में डाइटिंग कर ली, लेकिन संडे को तो भाई मीठा खाना ही खाना है।
तो ये लीजिए, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भाई कैसा बना है, सॉफ्ट है, हार्ड है, बहुत ही बढ़िया जूसी भाई, मज़ा आ गया भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही सिंपल है लेकिन खाने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अंदर से क्रीमी टेक्चर है, ये देखिए बाहर से इसका कवर बहुत ही प्यारा लग रहा है। वाह 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 वाह, आज संडे नहीं है ना, आज नहीं खा सकता मैं उसको, कल खाऊंगा, कल संडे है।